एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज मैं आया हूँ गाजियाबाद के घंटाघर के पास में। यहाँ पे रामलीला मैदान है और यहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो गाइज, अभी चलते हैं मेले में, घूमते हैं और देखते हैं मेले में यहाँ पे कौन कौन से खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पे कौन कौन से झूले लगे हुए हैं। इसे सब कुछ आपको मैं इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप, ये भाई मेले का मेन गेट है। बाकी गाइज, ये रास्ता जा रहा है अंदर। मैंने टिकट ले लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ। भाई देख सकते हो, भाई काफ़ी मस्त बना रखा है एंट्री गेट, लंदन ब्रिज की जैसा बना रखा है बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं अभी मेले के अंदर। बाकी गाइस, ना मेले के अंदर यहाँ पे स्पाइडर मैन वाला झूला भी लगा हुआ है। अगर आप मेले के अंदर आते हो तो आप इस झूले का मजा ले सकते हैं। मेले के अंदर यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बोटिंग वाला झूला भी लगा हुआ है। आपको यहाँ पर बर्फ़ का गुलाबी खाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और इसके बराबर में यहाँ पे फ्रूट आइसक्रीम भी मिल रही है। मेले के अंदर यहाँ पे ड्रैगन ट्रेन वाला झूला भी लगा हुआ है। अगर आप मेले के अंदर आते हो तो आप इस झूले का मजा भी ले सकते हैं। बाकी गाइस, ना मेले के अंदर यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए प्लेन वाला झूला भी लगा हुआ है। मेले के अंदर छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे मिक्की माउस वाला झूला भी लगा हुआ है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे झूले का। और इसके बराबर में यहाँ पे लगा हुआ है हथौड़े वाला झूला। यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खिलौने मिल जाएंगे। 60 रुपये में यहाँ पे सेल लगी हुई है। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे छोटे बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं। यहाँ पर सेल लगी हुई है, हर माल 10 रुपये में मिल रहा है। देख सकते हैं भाई, काफ़ी सारे लोग खड़े हुए जो यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं, जिसका प्राइस 10 रुपये है। 10 रुपये में आप यहाँ पर सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर सेल लगा रखी है भैया ने 10 रुपये में। और यहाँ पर बर्तन मिल रहे हैं, सेल लगी हुई है। 20 रुपये में आपको यहाँ पर बर्तन मिल जाएंगे। कटोरी मिल रही है, छोटे छोटे यहाँ पर ट्रे मिल रही हैं, चम्मच मिल रहे हैं, काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ पे सेल लगा रखी है 20 रुपये में। बाकी गाइस देख सकते हैं भाई, ये प्लेट मिल रही है यहाँ पे 20 रुपये, जिसका प्राइस है। काफ़ी अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे बर्तन मिल जाएंगे। यहाँ पे वॉलेट मिल जाएंगे आपको, जिसका प्राइस 100 रुपये है। मेले के अंदर आपको यहाँ पे सोपटी भी खाने के लिए मिल जाएगी। बेलपूड़ी मिल रही है यहाँ पर, कैंडी मिल जाएगी आपको, गोलगप्पे मिल रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर आने के बाद चाय टिक्की का मज़ा भी ले सकते हैं। अगर आप मेले के अंदर आते हैं ना तो आप यहाँ पे नींबू पानी पी सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे की तरफ स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आपको पिज़्ज़ा भी खाने के लिए मिल जाएगा। मेले के अंदर ना यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। अगर आप मेले के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे ना स्मोक बिस्कुट भी खाने के लिए मिल जाएगा। 10 रुपये में आपको यहाँ पे स्मोक बिस्कुट खाने के लिए मिल जाएगा मेले के अंदर। अभी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पर भाई कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं मेले के अंदर। वैसे तो यहाँ पे भाई काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना अभी, वहाँ पे भाई कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। और यहाँ पे भाई कैमल खड़ा हुआ है। अगर आप मेले के अंदर आते हैं ना तो आप यहाँ पे आने के बाद कैमल राइड का मज़ा भी ले सकते हैं। वैसे गाइस, ना अब यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई है। जब मैं यहाँ पर आया था ना उस वक्त यहाँ पे भाई काफ़ी कम लोग आए हुए थे, लेकिन आप धीरे धीरे करके यहाँ पर ना पब्लिक बढ़ती जा रही है मेले के अंदर। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आपको ना भाई नारियल का जूस मिल जाएगा यहाँ पे, जिसका प्राइस 20 रुपये है। अगर आप मेले के अंदर आते हो तो आप यहाँ पे आने के बाद मैंगो शेक भी पी सकते हैं, कुछ खा पी लेते हैं यार जब मेले के अंदर हम घूमने के लिए आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं, पहले मैंगो शेक पीते हैं। मैंने यहाँ पे मैंगो शेक ले लिया, अभी इसको पीते हैं और आपको पीने के बाद मैं बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस, ना मैंने मैंगो शेक तो पी लिया भाई। मैंगो शेक तो भाई काफ़ी मस्त है। अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे नारियल का शेक, उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस, ना नारियल शेक भी भाई काफ़ी मस्त मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप मेले के अंदर आते हैं तो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। काफ़ी ठंडा मिल जाएगा आपको पीने के लिए भाई, काफ़ी मस्त मिल रहा है यहाँ पर मेले के अंदर। मेले के अंदर यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आपको छोले भटूरे खाने के लिए मिल जाएंगे। और आगे की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर और क्या मिल रहा है खाने के लिए। नान खटाई मिल रही है मेले के अंदर यहाँ पे। हलवा पराठा भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर मेले के अंदर खाने के लिए।
मेले के अंदर यहाँ पे भाई फर्नीचर का सामान भी मिल रहा है। अगर आप मेले के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे आने के बाद फर्नीचर का सामान भी ले सकते हैं भाई, दे सकते हैं यार, काफ़ी मस्त सामान मिल रहा है यहाँ पे फर्नीचर का मेले के अंदर। यहाँ पे आपको भाई लीची का जूस मिल जाएगा पीने के लिए, मैंगो का जूस मिल रहा है, ऑरेंज जूस मिल जाएगा आपको यहाँ पर पीने के लिए मेले के अंदर। काफ़ी ठंडा ठंडा आपको यहाँ पर जूस मिल जाएगा भाई पीने के लिए। दे सकते हैं भाई ये मेले का व्यू, दे सकते हैं भाई काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर खाने पीने का पूरा मज़ा कर रहे हैं।